यहाँ मैंने चिकन डिफ्रोस्ट किया है पुलाव बनाने के लिए, बट टमाटर नहीं है। कल हम लोगों ने अंसार गैलरी से कोई भी वेजिटेबल बाय नहीं किए, क्योंकि हम लोग सारे वेजिटेबल्स जो है बेसिकली रामेस से या मेगा मार्ट से बाय करते हैं। कल हम लोगों ने वेजिटेबल्स के अलावा चीज़ें ली हैं, बट मेरी जहन में अगर थोड़ा सा भी होता ना कि टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं तो मैं ले लेती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एक भी टमाटर नहीं पड़ा हुआ। खैर, अब मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि अब पुलाव बनेगा तो वही इंशाल्लाह बनाऊंगी, और विदाउट फ्रेश टोमेटोज। पॉट को मैंने हीट कर लिया और इसके अंदर मैंने गरम मसाले साबुत डाले हैं, जिसमें 2 तेज़पत्ते हैं और साथ मैंने लौंग डाले हैं। देन मैंने ज़ीरा डाला है, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है। फिर काली मिर्च मैंने साबुत डाली है, 8-10 मैंने काली मिर्च डाली है, और थोड़ी सी दालचीनी डाली है, और बादियान के फूल 2 डाले हैं, और जायफल डाला है। और इसमें अब मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद मैं इसको गर्म होने दूंगी, और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज डाल दूंगी। मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और मैंने इसको अच्छे से स्लाइस करके, और अब मैं ये डाल रही हूँ, और इसको मैं इतना फ्राई करूंगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल मीडियम सा गोल्डन ब्राउन रखना है, जैसे ये मैंने इस तरह से, यही कलर आपका होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, और अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्चें इसके अंदर डाली हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून है, दोनों 1 टेबलस्पून है। मैं इनकी क्वांटिटी इसी तरीके से ज़्यादातर डालती हूँ। और ये अलैन की टोमेटो पेस्ट है, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट, जो भी आप कहना चाहें ये वो है। और इसमें मैंने थोड़ी सी डर की डाली थी, ऑलमोस्ट मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं, और योगर्ट डाला है, लाइक 2 चम्मच भर कर मैंने इसमें योगर्ट डाला है सालन वाला, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ सके। और ऐसे भी मसाले आपने डालने हैं। मेरे पास यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून है, और 1.5 टेबलस्पून ही हमारे पास है गरम मसाला, और ब्लैक पेपर मेरे पास ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून ही यहाँ पर हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं। और नमक अपने हसबे जायका डालना है, आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, बट मैं चिकन क्यूब्स नहीं डालती, मैं इसी तरह से पुलाव बनाती हूँ। अब आपने इनको डाल देना है, और अच्छे से आपने जो है इसको भूनना है। जितना अच्छा भुनेंगे उतनी अच्छी जो है आपका पुलाव का टेस्ट आएगा, और जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसके अंदर आपने अपनी चावलों के हिसाब से पानी डाल देना है। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 5 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि 3 ग्लास मेरे पास चावल है और मैंने इसकी यखनी बनने देना होता है, तो इसलिए मैं इसको 10 मिनट बॉयल होने देती हूँ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। फिर आपने इतना कुक होने देना है कि मैक्सिमम पानी जो है वो राइस अब्सॉर्ब कर लें। जब इतना पानी रह जाए उसके बाद आपने नीचे तवा रखना है, आँच आहिस्ता कर देनी और दम पर लगा देनी है चावल तकरीबन 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद मैंने जब दम खोल के देखा तो बहुत ही खूबसूरत चावल थे, खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। क्योंकि मेरे बहुत लाइट कलर का पुलाव बनता है, मैंने प्यूरी की वजह से, टोमेटो प्यूरी जो मैंने यूज़ किया उसकी वजह से, ये थोड़ा सा बहुत यम्मी कलर था पुलाव का, और टेस्ट वाइज भी बहुत टेस्टी बने थे राइस। आप लोगों ने भी ये पुलाव ज़रूर बना के ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का टेस्टी पुलाव बना था। यखनी के जायका भी था इसके अंदर, और सारे इंग्रेडिएंट्स के भी बहुत अच्छे से इसमें टेस्ट डेवलप हुआ था, बहुत टेस्टी पुलाव था। तो आप उनको चुप करा रहे हो, छुपा मार्केट से क्या लेंगे, ये चीज़ें लेंगे। चल ठीक है, ये जिशान गाड़ी की सफाई करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं रामेस, क्योंकि अभी बहुत सारी शॉपिंग हम लोग की बाकी है, और बहुत दिनों बाद मैं निकली हूँ शॉपिंग के लिए। तो कल गए थे हम लोग, कल काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं, तो और आज भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं, तो हम लोग बस जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह अगले मंथ, तो उसके लिए टिकट्स वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं कौन सी रीजनेबल
फिर इंशाल्लाह हम लोग वो बुक करवाएंगे। हमारा इरादा है 22 अक्टूबर तक हम लोग चले जाएँ पाकिस्तान, क्योंकि ज़िशान की जो छुट्टी फाइनल हुई है ना वो 22 अक्टूबर तक की हुई है। तो अगर हम लेट कराते हैं तो फिर ये होगा कि ज़िशान की छुट्टियाँ ज़ाया हो जाएंगी, तो बस इसलिए तो शॉपिंग चल रही है। आया नहीं बेटा, मैं वीडियो बना रही हूँ। ये आया ना जो पीछे होके बैठे, मैंने इसको कहा है कि कल पुलिस वाले आए थे, कल हमारे घर पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहे जो बेबी पीछे होके नहीं बैठेगा वो आइंदा सुपरमार्केट नहीं जाएगा। तो मेरी ईमान के कान पे तो जून ही रहेंगी, और मेरा बच्चा वो देखे माशाल्लाह बैठ के पीछे, आज पीछे लग कर बैठा हुआ है सीट के साथ। आपने क्या नहीं किया, चुप करके बैठे हो, ठीक है बच्चे बच्चे हो ना माशाल्लाह। बाबा को भी बहुत अच्छा लगा है। आप अपने शॉपिंग सेंटर में सुपरमार्केट में भी तंग नहीं करना, आराम से बैठना, आपने आराम से बैठना, शिकारी में खामोशी से बैठ कर। हाँ जी वेरी गुड, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा मेरा। हाँ बहुत अच्छी हो आपसे, दुनिया में तो अच्छा दुनिया में बच्चा ही पैदा कोई नहीं हुआ ईमान। हाँ जी कितनी अच्छी, और ये रश चेक करें, इतना ज्यादा हर जगह रश है, और रश इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, जब से कोविड आया है यहाँ स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, तो अब स्कूल खुल रहे हैं काफ़ी देर बाद, तो बैक टू स्कूल के नाम से हर जगह हर मॉल में हर जगह ऑलमोस्ट यहाँ पे ना सेल्स लगी हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगी हुई हैं ताकि ऑफर्स को अवेल कर सकें। तो इसलिए आप जिधर भी जा रहे हो, अंसार गैलरी जा रहे हो, रामेस जा रहे हो, कारफोर जा रहे हो, आपको इतना ज़्यादा रश मिलेगा कि वहाँ आपको पहले तो पार्किंग करने में पार्क करने में कार बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको रश मिलेगा। तो बस अब हम कार पार्क करेंगे, और हमें 5 मिनट से ज़्यादा देर हो गई है यहाँ पर कार पार्क करने की जगह ढूंढते हुए, और नहीं मिली है, तब हम वापस बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके कार खड़ी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक सेकंड में आप कार खड़ी कर लेते हो, तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए वेट करने के लिए, खासतौर पर पार्किंग के लिए। हम यहाँ बाहर पार्क करेंगे कार, और फिर हम आप अंदर जाएंगे, हमने बाहर पार्क कर दिए कार, अब हम अंदर जाएंगे। आ जाओ इधर भी परफ्यूम्स देखने, हाँ मानो मानो इधर आओ, मानो आओ, टाइम रात के तकरीबन 11:45 हो चुके हैं, अब हम लोग रामेस से निकले हैं, तो अब हम लोगों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया है ट्रेन से। ट्रेन में बेसिकली ग्रिल्ड मिलता है, सिर्फ ग्रिल्ड मिलता है ना सुशांत ट्रेन रात के वक्त, सिर्फ रात के वक्त ग्रिल्ड है, बाकी दिन में मिलता है। अच्छा अच्छा, रात के वक्त यहाँ से ट्रेन से सिर्फ ग्रिल्ड मिलता है, या ज़्यादातर हर जगह आपको रेस्टोरेंट में जो है वो बारबेक्यू नज़र आएगा, ग्रिल नज़र आएंगे। तो एक मैं दिखाती हूँ, पर ये दिखाया नहीं जा रहा, और ये मार के तमाशे हैं, बहुत ज़्यादा तमाशे हैं, वो ख़त्म करते हैं दोनों बहुत ज़्यादा सुपरमार्केट में, है ना सुपरमार्केट ना आया कितना तंग किया है दिखाना जरा, कितना तंग किया मामा को, बहुत ज्यादा। तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, नहीं क्यों, पीछे बैठ जाए, बुलाना जरा पुलिस को फोन,
स्वीट है। अच्छा मुझे लगा था यहाँ बिल्कुल भी टोबैको से रिलेटेड चीज़ें नहीं अलाउड है, तो मगर यहाँ पे है अलाउड भाई, यहाँ तो पूरी शॉप है। जिशा नहीं शीशा होता है ना, ये वो है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपलोडेड वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू गिव थम्स अप टू दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।